नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। जी आप बता दें कि बिहार में अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ गया है और कैसे अपराधी आए दिन पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। वहीं हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों ने एक युवक को अपना निशाना बनाया। दरअसल एक दो गोली नहीं बल्कि 7 गोलियों से युवक को भून डाला है। जी हां, बता दें कि हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में आर्यन कॉलेज के पास एक युवक को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। युवक को 7 गोली मारी गई जिसमें उसके मौके पर ही मौत हो गई और हत्या करके जो अपराधी थे वो वहां से फरार हो गए। हालांकि क्या कारण रही, क्या वजह रही, इसके बारे में पता नहीं चला कि आखिर अपराधी ने या बदमाशों ने जो युवक थे उसे अपना निशाना क्यों बनाया, लेकिन इस तरीके से उसे भून डाला। यही लग रहा है कि कोई ना कोई दुश्मनी जरूर होगी या फिर कुछ तो बात हुआ होगा। देखिए, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां अपराधी युवक को अपना निशाना बनाते हैं, पहुंचते हैं और बचने का कोई चांस जो है वही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि 7 गोली उन्हें मार कर वहां से फरार हो जाते, जिसके कारण जो युवक है उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। देखिए, ये पहली दफा ऐसी नहीं है जब अपराधियों का बदमाशों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है। कल भी हमने आपको वो खबर बताई थी जब 2 गुटों में भिड़ंत हो गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई थी जिसमें एक युवक को गोली भी लगी थी। मामला पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का था, लेकिन लगातार जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनका मनोबल ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। क्या कारण है कि थोड़ा भी उन्हें पुलिस का डर नहीं होता है। हालांकि जब भी बदमाश या अपराधी किसी ऐसे बड़े घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस भी जरूर इसमें अपनी तत्परता दिखाती है, कोशिश करती है यही कि जो बदमाश है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, बड़ी खबर तो सामने आ रही है हाजीपुर से, जहां पर ये मामला जो है आर्यन कॉलेज के पास हुआ है। आर्यन कॉलेज के पास युवक को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। दरअसल युवक को 7 गोलियां मारी गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोई थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ा गया कि अगर थोड़ी भी उसकी जान बचती तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता, उसका इलाज चलता। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है और सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर किस कारण से इसे अपना निशाना बनाया गया, क्योंकि मंशा अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिर इस युवक को जो टारगेट किया गया, आखिर इस युवक की जो हत्या की गई उसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन जैसे अपराधियों ने इसके ऊपर हमला किया और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा है, उससे कहीं ना कहीं इलाकों में हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर, जहां यह कहा जाता है कि देर रात भी प्रशासन जो है वो गश्ती करती रहती है और जब अपराधी इस तरीके से घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं तो पुलिस अधिकारी कहां मौजूद रहते हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है और क्या जो बदमाश है वो इस घटना को अंजाम देकर फरार हुए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनकी पहचान हो पाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।